एक्सरसाइज 13.8 क्वेश्चन नंबर 6। ए हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिकनेस, थिकनेस है 1 सेंटीमीटर, मीटर बना लेंगे 1/100 मीटर, 100 में 20 है, डेसिमल भी 2 के बाद 0.01 मीटर, ये होगी थिकनेस। इनर रेडियस इज 1 मीटर, तो ये जो हेमिस्फीयर है उसका इनर रेडियस डायग्राम में शो कर रखा है 1 मीटर, तो आउटर थिकनेस क्या होगी 1 मीटर में, ये जो थिकनेस 0.01 मीटर ऐड कर देंगे ये हो जाएगी आउटर रेडियस। तो बीच में ये जो पोर्शन शेडेड कर रखा है ये क्या है, ये है मेटल, ये हेमिस्फेरिकल टैंक इस मेटल से बना है, तो इस मेटल का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर में से माइनस कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ आउटर हेमिस्फीयर में से माइनस करेंगे वॉल्यूम ऑफ इनर हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ आउटर हेमिस्फीयर 2/3 πr³, इसमें आर कैपिटल लिखेंगे क्योंकि आउटर रेडियस को हमने कैपिटल आर नाम दिया, वॉल्यूम ऑफ इनर हेमिस्फीयर 2/3 πr³, इसमें स्मॉल आर लिखेंगे क्योंकि इनर रेडियस को हमने स्मॉल आर नाम दिया, 2/3 π कॉमन, ब्रैकेट में आ जाएगा कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, 2/3 π की जगह 22/7, कैपिटल आर की जगह 1.01 क्यूब, स्मॉल आर क्यूब की जगह 1 क्यूब, 44/21, 1.01 को 3 times मल्टीप्लाई करेंगे, 1.01 × 1.01 × 1.01, डेसिमल 6 के बाद लगा देंगे और 2 place तक करेक्ट करके यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह लिख देंगे, माइनस 1 का क्यूब होता है 1, तो 1 को लिख देंगे 1.00, फिर क्वेश्चन मार्क में से 1.00 माइनस कर देंगे तो ये डैश आ जाएगा, और 44 को डैश से मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा से, फिर क्वेश्चन मार्क डिवाइड बाई 21, और क्वेश्चन मार्क को 21 से डिवाइड करेंगे तो क्यूबिक सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। 13.8 क्वेश्चन नंबर 7। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 154 cm² गिवन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 πr³, तो इसमें हमको रेडियस की जरूरत पड़ेगी, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का पहले फार्मूला लिखेंगे 4πr² = 154, 4 × π की जगह 22/7 × r² = 154, तो r² = 154, 22/7 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 7/22, 4 का रेसिप्रोकल 1/4, 22/7 = 154, 7/7 = 49/4, आर के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर हटा देंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 49/4, 49/4 का स्क्वायर रूट 7/2 cm, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 πr³, पाई की जगह 22/7, 4/3 की जगह 4/3, आर क्यूब की जगह 7/2 × 7/2 × 7/2, तो इन सबको आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड करके यहाँ क्यूबिक सेंटीमीटर में अपना आंसर लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 8। टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इन द इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ डोम, डोम ये बिल्डिंग के ऊपर डोम है, डोम का मतलब हेमिस्फीयर है, इस हिस्से पर कर्व सरफेस एरिया पर पेंट होना है जिसका टोटल कॉस्ट है 4989.60 और रेट ऑफ कॉस्ट है ₹20/m², तो इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ डोम क्या होगा, क्योंकि हमको टोटल कॉस्ट का ही पता है रेट ऑफ कॉस्ट का ही पता है, दोनों के अगर हम डिवाइड कर दें 4989.60 को 20 से डिवाइड करें तो वो आ जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, यानी कि इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ डोम आ जाएगा, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फार्मूला 2πr², 2 × π की जगह 22/7 r² = 2498/100, r² = 20, ये दोनों इधर आकर रेसिप्रोकल हो जाएंगे 7/22 1/2, और इसको हम सिंप्लीफाई करके यहाँ लास्ट में लिख देंगे जो भी आंसर आएगा, फिर दोनों की हम डिवाइड करेंगे इन दोनों को डिवाइड करके डेसिमल में चेंज करके यहाँ लिख देंगे और स्क्वायर का हम स्क्वायर रूट कर देंगे और स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो क्वेश्चन मार्क मीटर रेडियस आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड डोम, डोम के अंदर कितनी एयर आएगी,
कितनी एयर भरी जा सकती है। जब कुछ भरने की बात आए तो वॉल्यूम हम फाइंड करते हैं, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 πr³, 2/3 π की जगह 22/7 आर क्यूब, आर ये क्वेश्चन मार्क जो भी यहाँ वैल्यू आई है उसकी पावर 3, 3 बार लिख देंगे उसको, और क्यूबिक मीटर में हम अपना आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज 13.8। डायामीटर ऑफ स्फेरिकल कैप्सूल इज 35 मिलीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 3.5/2, पॉइंट हटा देंगे 35/20, 7/4 मिलीमीटर ये आ जाएगा रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर। तो हाउ मच मेडिसिन इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल, इस कैप्सूल में कितनी मेडिसिन आ सकती है, यानी कि हमको वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ मेडिसिन इन स्फीयर 4/3 πr³, 4/3 π की जगह 22/7 r³ की जगह 7/4, 7/4, 7/4, तो इसको हम सिंप्लीफाई करके यहाँ लास्ट में अपना आंसर लिख देंगे, डैश क्यूबिक मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9, 27 सॉलिड स्फीयर्स आर मेल्टेड टू फॉर्म ए न्यू स्फीयर, 27 स्फीयर्स को मेल्ट करके पिघाल कर एक नया स्फीयर बनाया गया, तो दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा क्योंकि जो मेटल यहाँ पर था वही मेटल यहाँ पर भी है, तो दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा। 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर, और ये जो न्यू स्फीयर है इसका रेडियस है आर डैश, और जो ये स्मॉल स्फीयर है इसका रेडियस है आर, सरफेस एरिया एस है इसका, और सरफेस एरिया ऑफ न्यू स्फीयर है एस डैश, एस और एस डैश में भी रेशो फाइंड करना है, और ये जो रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर है आर डैश ये भी हमको फाइंड करना है। तो 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर, 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला 4/3 πr³, वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर का फार्मूला 4/3 πr³, पाई से पाई दोनों साइड में हम कैंसिल कर सकते हैं, और 3 1 3 9 27, 9 4 36 r³ बच गया, इधर इधर बचा 4/3 r³, 36 r³, 4/3 को राइट से लेफ्ट में ले आएंगे 3/4, 27 r³ इज इक्वल टू r³, 27 r³ की जगह लिखेंगे 3 r³, और यह है r³, क्यूब से क्यूब कैंसिल, तो r इज इक्वल टू हो गया 3 r। अब हमको फाइंड करना है एस और एस डैश में रेशो, एस का मतलब सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल स्फीयर, एस डैश का मतलब सरफेस एरिया ऑफ न्यू स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल स्फीयर का फार्मूला 4π r², सरफेस एरिया ऑफ न्यू स्फीयर का फार्मूला 4π r², 4π से 4π कैंसिल, बच गया r² / r² की जगह आ जाएगा 3 r² 9 r² 1/9, तो एस और एस डैश में रेशो हो गया 1:9।